हेलो दोस्तों, एक बार फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खड़ी हूँ रामनगर ब्लॉक के रामनगर गांव में। यहाँ पे दो परिवार ऐसा है कि यहाँ पे लगभग 20 साल से रह रहे हैं। इनके रहने के लिए एक भी घर नहीं है। लोग वैसे फुटपाथ में रहने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री योजना का आवास का भी चलाए कि हर गरीबों को आवास मिलना चाहिए उनके रहने के लिए, मगर देखा जाए तो हकीकत में लोग ऐसे रह रहे हैं, इनके लिए न एक भी जमीन न यहाँ पे आवास। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम वोटर लिस्ट में हमारा नाम भी है, हम वोट भी डालते हैं, मगर हमारे लिए जब हम अपने काम के लिए मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। कि जब वोट डालना होता तब हमारा नाम कहाँ से आ जाता है। जब हमें सरकारी सुविधा लेना होता है तो यहाँ पे एक भी हमें सरकारी सुविधा नहीं मिलती। हम कई तरह से परेशान हैं क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, कैसे अपने लड़कियों को शादी ब्याह करें, कैसे हम रहें। आइए मैं इन लोगों से मिलाती हूँ कि इन लोगों किस तरह की कितनी मांगे किए हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। क्या नाम भैया? हाँ सर, गरीब दास नाम है। हम देख रहे हैं आज 30 साल से ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं सर, कोई रहने की व्यवस्था इनको नहीं है। जो है ऐसे जो है बरसात में सूखा सीजन में ऐसे ही अपन जीवन अपन करता है। तो कभी आप लोग मांग किए हैं? अरे सब इसी तरह देख करके चले जाते हैं, हाँ मिलेगा मिलेगा, हनी आज तक कुछ नहीं मिल रहा सर। तो आप यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, पानी ही में रहते हैं, पानी ही में गुजर बसर होता है सर। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ना कोई जो है यहाँ खरंजा है, ना कोई जो है नाली है, ना कोई जो है रहने के छाहर है, इसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तो क्या आप वोट डालते हैं? वोट डालते हैं, जब वोट का समय आता है कहीं होटल लिस्ट में नाम है चलो वोट डालवा लेते हैं। आपको कोई योजना का लाभ नहीं दे? योजना लाभ नहीं मिलता है। यहाँ के राशन कार्ड बना है? नहीं बना। आधार कार्ड? आधार कार्ड तो बना है। तो क्या लगता है सरकार जो कहते हैं कि सबको आवास मिलेगी, जो जिसके पास जमीन नहीं है गांव समाज की जमीन तो दी, अपना काम करके चले जाते हो गया। क्या नाम दीदी? मेरा बेसानी नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हमें तो है कि 20-25 साल ही। तो आपके पास घर नहीं है रहने के? घर नहीं है, पर आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड सब कुछ यहाँ का बना है, पर रहने के लिए जगह नहीं है। सरकारी मकान में रह रहे हैं, किसी दिन ले लेगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो कौन रखा है यहाँ पे आपको? कौन रखा सरकारी मकान में? अरे ये सरकारी मकान में जैसा आप लोग हैं, ये है कि फालतू पड़ा है इसी में रहो। यहाँ पानी इनका भर जाते कि फिर निकल नहीं आता, कहाँ से निकल आए। तो जब आप लोग शादी ब्याह करते तो कैसे करते हैं? अब इनका वैसा झूरे रित करी थी, बारिश हो जाती देखता है यहाँ कम तन के आई थी। तो कभी मांग की है आप प्रधान? अरे हर प्रधान से कहीं ना दिखात नहीं है आधार का, हैं सबसे कहते तो वहाँ कि उन्होंने नहीं जाना। जब वोट डाल तो वोट डाल के तुम कही हो कि नाव है, और जहाँ कॉलोनी है तो वह तो सूची में नाम नहीं है, कसत नाम नहीं, वोट डाल भाई का नाव है, ऐसे नाम नहीं। आपका क्या नाम है? देवमाती। तो घर नहीं है तो कैसे रह रही हैं आप? नहीं था बसर कर रही भैया, कैसे बताई। कितने सालों से बसर कर रही हैं?
अरे हमें तो यहाँ बहुत साल हो गए भैया रहा। तो क्या कभी आप मांग किए हैं, कभी फॉर्म भरी हैं? अरे बतलते तो जाती। जैसे कभी सरकारी है ले लेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे आप? तो यहाँ पे रहने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ पे रहने में बहुत दिक्कत है। देखो लो ये खोर में शाम होंगे तो दिखात नहीं है, कोई लट समेत यहाँ नहीं लगा सकत। पानी बरसते यहाँ निकरा कहीं मत नहीं करते, तक तो पानी वही ऊपर से चल जाते पानी। तो किस तरह से अपना घर का परिवार चलाती हैं आप? अरे अब कमुता नहीं था, दुख काट के चलाई थी, अब कमुता चलाई थी, मेहनत मजदूरी करके या ईंट का? हाँ मेहनत मजदूरी करी थी, तब ये युद्ध नहीं सही रहा किया है। अब एक आज 5-6 दिन से बुखार आते हैं, आँख में दिखाते ही नहीं है। तो दवा नहीं कराई? अरे दवा जब पैसा नहीं है तो कहाँ है। अब ये आँख में दिखाते नहीं तो जी चौं दिया था। तो यहाँ पे कोई रखा है प्रधान वरदान? अरे हमें प्रधान वरदान कौन नहीं रखा, खाली रहे तो रहा लागे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति में लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हमारे देश में ऐसे भी हैं कि लोगों को फुटपाट में रहना पड़ता है, और यहाँ पे सरकारी पड़ी थी इसी में रहने लगे। जब कभी कह रहे हैं कि ले लेंगे तो हमारा परिवार कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, कैसे रहेगा। हम कई बार मांग भी किए मगर हमें कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई दिया।